मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र झाबुआ में लगातार अन्नदाताओं के खेत में नकली खाद के रूप में धीमा जहर मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम करने के लिए खेतों में परोसा जा रहा है। शुद्ध पर युद्ध अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 5 अमानत खाद बनाने वाले कारखानों का लाइसेंस निरस्त कर कारखानों को सीज कर दिया है। लंबे समय से मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एग्रो फ्रांस, बालाजी एग्रो एवं मोनी मिनरल फर्टिलाइजर कंपनी में अमानक स्तर का खाद बनाने का गौरख धंधा चल रहा था। मध्य प्रदेश सरकार के शुद्ध पर युद्ध अभियान के तहत 31 अक्टूबर को उक्त फैक्ट्रियों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की गई थी। लाइसेंस निरस्त के बाद भी चोरी छिपे रात्रि के अंधेरे में अमानक खाद बनाने का गौरख धंधा फल फूल रहा था। किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग द्वारा फैक्ट्रियों को सील करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान एग्रो फ्रांस एवं बालाजी कंपनी में रंग बिरंगी थैलियों में अमानक स्तर का खाद पाया गया। उक्त माल को क्रय विक्रय पर प्रतिबंधित कर अमानक खाद सीज किया गया। सीलिंग करने के पश्चात भी कुछ ऐसे लूपलाइन या होल्स बना रखे हैं लोगों ने, ऐसे कुछ गेट्स बना रखे हैं जहाँ से ये अवैध प्रकार से मटेरियल्स का जो बनाना उसको डिस्पैच करना, ये गतिविधियाँ की शिकायत हुई थी। जहाँ से बाहर जा सकते हैं उनके वाहन, उस प्रकार की जगहों को जहाँ संभावना बनती है उनको सब जगह से सीलिंग का कार्रवाई करवाती है। एग्रोफास्ट के यहाँ पे उनका पुराना जो स्टॉक है दांडेदार SHPs था, वो काफ़ी समय से पुराना पड़ा हुआ है क्योंकि उनका लाइसेंस खत्म हो गया। उसमें एक निर्धारित समय सीमा दी थी, उस समय सीमा में उनको डिस्पोजल करना था और निरीक्षण में पाया गया कि अभी डिस्पोजल नहीं हुआ, इसलिए उसको जो हमने क्रय विक्रय से प्रतिबंधित कर दिया। देखिए, अभी जब लाइसेंस खत्म हो चुका है तो उस स्थिति में कोई भी अपने इस प्रकार की गतिविधियाँ जिसमें लाइसेंस का जो निर्देश है उनका वायलेशन हुआ है, ऐसी स्थिति अगर पाई जाती है तो जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत जो कार्रवाइयाँ होगी वो कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में अन्नदाताओं को झेलने वाले जो भी लोग हैं, जो धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा कर मिलावटखोरी करते हैं, उन्हें हम कानून के दायरे में लाकर कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, एक लंबे समय से हमारे किसान साथियों की ये शिकायतें आ रही थी कि कुछ लोग लंबे समय से हमारे किसान साथियों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का काम कर रहे थे और उनको अमानक स्तर का जो है आदान प्रदाय करने का काम किया जा रहा था। हमने इसको गंभीरता से लिया और मेघनगर में जो कार्रवाई हुई, जहां पर लगभग 5 निर्माताओं के लाइसेंस हमने निरस्त करने का काम किया और फिर एक विशेष अभियान के रूप में जो है 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है कृषि के क्षेत्र में हमने लागू किया।